और ध्यान का एक ही अर्थ है समग्र विश्राम की अवस्था में होना। विश्राम पूर्ण होने का अर्थ है जब ना तो आप शरीर से कुछ कर रहे हैं ना मन से कुछ कर रहे हैं। ऐसे आप सोचें कि शरीर भी कुछ नहीं कर रहा। ध्यान करने में विचार बाधा बनते हैं क्योंकि ध्यान का अर्थ ही है विचारों से मुक्त होने की कला। हाँ जी, लेकिन कैसे सरलता से ध्यान में उतरा जा सकता है यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ध्यान का अर्थ अगर पूरी तरह से समझ में आ जाए तो वास्तव में ध्यान करने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। यह एक गुर है, एक नायक है, एक स्किल है जो एकाएक पकड़ में आ जाती है। चूँकि आपके भीतर गहरी प्यास है इसलिए मैं आपको एक छोटा सा सुझाव देता हूँ। आप ध्यान की कोई प्रक्रिया न करें, आप सिर्फ जिंदगी के जो काम करते हैं उनको पूर्णता से करने की कला का अभ्यास करें। आपकी सारी ऊर्जा इस समय सिर्फ मेरे साथ वार्ता में उपलब्ध हो गई है। ऐसा बहुत कम होता है कि व्यक्ति जीवन के दैनिक कार्यों में इसी तरह से एकाग्र हो जाए, पूर्णता से संलग्न हो जाए, संपूर्णता से विद एब्सोल्यूट इन्वॉल्वमेंट। जैसे अभी इस समय आप इन्वॉल्व हो गए, ऐसे 24 घंटे के जो 20 काम करते हैं तो 20 कामों को भी इसी तरह संपूर्णता से संलग्न होकर करने लगे तो आपके भीतर द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटैलिटी इन एक्शन विल अराइज। और ध्यान का एक ही अर्थ है समग्र विश्राम की अवस्था में होना। हम कभी समग्रता से कोई काम नहीं करते इसलिए समग्र विश्राम में भी नहीं हो पाते। समग्रता से खाना नहीं खाते हैं, समग्रता से किसी को किस नहीं करते हैं, समग्रता से किसी को गले नहीं लगाते, आधा इधर आधा उधर। तो समग्रता से कोई काम करने का हमें अनुभव नहीं है। लेकिन जब हम समग्रता से कृत्यों को करने का स्वाद पा जाते हैं तब हम समग्रता से विश्राम पूर्ण भी हो जाते हैं। विश्राम पूर्ण होने का अर्थ क्या है? विश्राम पूर्ण होने का अर्थ है जब ना तो आप शरीर से कुछ कर रहे हैं ना मन से कुछ कर रहे हैं। ऐसे आप सोचें कि शरीर भी कुछ नहीं कर रहा और मन भी कुछ नहीं कर रहा, यानी कुछ सोच नहीं रहा, तभी तो समग्र विश्राम होगा। मन विचारों में उलझा है, दौड़ लगा रहा है, छलांग लगा रहा है, तो आप विश्राम में नहीं। समग्र विश्राम में होने का अर्थ है ना शरीर से कुछ कर रहे हैं ना मन से कुछ कर रहे हैं, उस कुछ ना करने की अवस्था में होना ही समग्र विश्राम की अवस्था में होना है। और समग्र विश्राम की अवस्था में होना ही ध्यान है।